सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का तरावा सीजन यानी कि आईपीएल 2020 जहां पर 29 मार्च 2020 से स्टार्ट होना था और 24 मई 2020 को खत्म होना था, लेकिन भारत में लगातार कोरोना वायरस के केस को बढ़ते हुए देखकर बीसीसीआई ने पहले तो आईपीएल 2020 को 15 अप्रैल 2020 तक स्थगित कर दिया था, यानी कि पोस्टपोन कर दिया था। तो इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद भी भारत को 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन कर दिया था, यानी कि पूरा भारत को 21 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया था। ऐसे में यह बात तो साफ हो गई है कि यह बात 100% कंफर्म हो गई है कि आईपीएल 2020 15 अप्रैल 2020 से तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अब यहां पर आईपीएल 2020 को लेकर एक नहीं बल्कि तीन बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट, प्लेयर्स और टीम को लेकर कई अच्छी खबर है, तो वहीं कई बुरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर। तो पूरी विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर तो इंडियन प्रीमियर लीग के तरावे सीजन यानी कि आईपीएल 2020 का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस काफी बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीएल 2020 अपने मेन टाइम पे यानी कि 29 मार्च 2020 से स्टार्ट नहीं हो पाया। जो कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के केस को बढ़ते हुए पहले तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया था, तो वहीं भारत के पीएम ने जो कि पूरे भारत को 21 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया था, यानी कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया था। जो कि उसके बाद यह खबर काफी तेज से वायरल हो रही थी कि सिर्फ भारत को 14 अप्रैल तक ही लॉकडाउन नहीं किया जाएगा बल्कि 3 महीने तक और भी लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ऐसा होता तो फिर आईपीएल 2020 होना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर 100% अफवाह थी, यह खबर झूठी थी, जो कि इस बात की घोषणा खुद कर दी गई है कि पूरे भारत को सिर्फ 14 अप्रैल तक ही लॉकडाउन रखा जाएगा, उसके आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आईपीएल 2020 अप्रैल के आखिरी हफ्तों में या फिर मई के स्टार्टिंग में आईपीएल 2020 स्टार्ट हो सकता है, अगर कोरोना वायरस के हालात ठीक होते हैं, स्थिति ठीक होती है तो। लेकिन अगर कोरोना वायरस के हालात ठीक नहीं होते हैं, स्थिति ठीक नहीं होती है, तो फिर आईपीएल 2020 कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई ने पूरा मन बना लिया आईपीएल 2020 कराने के लिए हर हाल में। अगर आईपीएल 2020 करना होता तो फिर बीसीसीआई काफी पहले ही कर सकती थी, लेकिन यहां पर बीसीसीआई अभी तक आईपीएल 2020 कराने के लिए इंतजार कर रही है। अगर हम बात करें यहां पर उन तीन बड़ी खबरों के बारे में जो आईपीएल 2020 से जुड़ी आ रही हैं, तो पहली खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि आईपीएल 2020 रद्द होने पर 3,000 करोड़ का नुकसान होगा बीसीसीआई को और न ही किसी भी क्रिकेटर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। जी हां, जो कि अगर आईपीएल 2020 इस साल नहीं होता तो फिर कोई भी वेतन नहीं मिलेगा किसी भी खिलाड़ी को। इस साल आईपीएल में करार करने वाले खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी इसे स्थगित कर दिया गया है और तब तक इसे आगे आयोजित होने की संभावना नहीं है जब तक बीसीसीआई साल के अंत में इसकी वैकल्पिक विंडो तैयार नहीं कर लेता है। आईपीएल फ्रेंचाइजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईपीएल भुगतान का तरीका ऐसा है कि टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ते पहले 15% राशि दे दी जाती है, टूर्नामेंट के दौरान 65% दी जाती है, जबकि बाकी बचे हुए 20% टूर्नामेंट खत्म होने के बाद निर्धारित समय के अंदर दे दी जाती है। ऐसे में अगर आईपीएल 2020 स्टार नहीं हो पाता है तो फिर निश्चित रूप से किसी भी खिलाड़ी को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर के बारे में तो दूसरी खबर निकलकर सामने आ रही है आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले उन सभी ओवरसीज, उन सभी फॉरनर खिलाड़ियों को लेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड समेत सभी बड़े बड़े बोर्डों ने इस बात की घोषणा कर दी है क्योंकि अपने अपने खिलाड़ियों को अनुमति दे दी है आईपीएल 2020 में खेलने के लिए। ऐसे में आईपीएल 2020 जब भी स्टार्ट होता है तो फिर हमें आईपीएल 2020 में सारे ही विदेशी खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर तीसरी बड़ी खबर के बारे में तो तीसरी खबर निकलकर सामने आ रही है आईपीएल 2020 के ही स्टार्टिंग डेट को लेकर, जो कि कोरोना वायरस के कहर के बीच बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। बोर्ड ने कहा कि अगर टी20 विश्व कप 2020 आगे खिसकाया जाता है तो फिर अक्टूबर नवंबर में आईपीएल आयोजित कराया जा सकता है। जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि आईपीएल का इस साल आयोजित होने का यह भी एक रास्ता है, जो कि ये दूसरा रास्ता है। तो गाइस, ये तीन बड़ी खबर जो आईपीएल 2020 को लेकर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने राय अपने विचार जरूर दें।